जहां एक तरफ हमारे समाज की एक तस्वीर ऐसी भी है जब हमें कई घटनाएं ऐसी सुनने में आती हैं कि एक पिता ने पैदा होते बेटी को दफन कर दिया और बिना समाज को देखे ही बेटी अपनी माँ की कोख से ये कहते हुए रुखसत लेती है कि माँ मुझे भी दुनिया देखनी है। इन सभी से अनजान पिता तो बस अपने सुरूर में होता है और अपनी बेटी को दफन कर देता है। लेकिन इस समाज का एक आईना ये भी है कि जब बाप अपनी बिटिया का हाथ थामकर उस खतरनाक पर्वत को भी भेदने का मद्दा रखता है जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं। जी हाँ, दरअसल अजीत बजाज और उनकी बिटिया दिया बजाज ने, पिता पुत्री की जोड़ी ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल कर ली है। रोमांचक यात्राओं के शौकीन अजीत बजाज और उनकी पर्वतारोही बेटी दिया ने 16 अप्रैल को इस अभियान की शुरुआत की थी। रास्ते में तमाम खतरों और ऊंचाइयों पर जूझते हुए, तेजी से बदलते मौसम से जूझते हुए आखिरकार ये जोड़ी माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने में कामयाब रही। इस फतेह के बाद अजीत ने बताया कि जैसे ही वो दोनों माउंट एवरेस्ट के करीब पहुंचे, वो विश्व के प्राकृतिक अजूबों में से एक इस चोटी को निहारने लगे। उन्होंने कहा, हमें वहां पहुंचकर महसूस हुआ कि हम कभी भी पहाड़ पर फतेह हासिल नहीं कर सकते और हमें पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ पर्वत पर चढ़ना सीखना होगा। प्रकृति माँ ही सर्वोच्च शक्ति है, उन्होंने बताया। इसके बाद दिया का कहना रहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी इस यात्रा और उनके पिता से मिल रहा प्रोत्साहन देश की बालिकाओं के लिए प्रकाश स्तंभ बनेगा। आपको बता दें, अजीत उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग करने वाले पहले भारतीय हैं। उन्हें इस उपलब्धि के लिए पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। पिता पुत्री की जोड़ी ने यह कारनामा करके समाज में एक मिसाल पेश की है और हमारी बेटियों के प्रति रूढ़िवादी सोच रखने वालों से मेरी गुजारिश है कि इस मिसाल से प्रेरणा लेकर अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट डेस्क से अंकुर अस्थाना की रिपोर्ट।